बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 243, ठीक है। ये है लेक्चर 243 और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5, ठीक है। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका एरिया क्या है? 17320.5। इसका एरिया 17320.5 विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ट्रायंगल के हर वर्टेक्स, विच ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एस सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन, मतलब हर वर्टेक्स एक सर्कल बनता है। सो विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एस अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। सो मतलब पूरी लेंथ से ये रेडियस देखो आधी है, ये लेंथ पूरी है, सो ये रेडियस इसकी आधी हुई, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। पाई इज इक्वल टू 3.14, रूट थ्री 17320.5। तो बच्चों यहाँ देखो, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये है आपके सर्कल्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिखते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है आपको? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है 17320.5, ठीक है। 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एस सेंटर, ठीक है, सेंटर है। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एस सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एक सर्कल बनता है इस लेंथ से हाफ, ठीक है, हाफ सर्कल, हाफ लेंथ का सर्कल बनता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। पाई है 3.14 एंड रूट थ्री क्या है? 17320.5, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे? आप देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स माइनस करोगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स माइनस करोगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो आप कहोगे ये तो ये सब वेस्ट है, क्योंकि आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। फॉर्मूला कैसे सेट करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स। अच्छा एक और चीज, इन्होंने क्या बोला है कि आपका रेडियस क्या है? हाफ है, ठीक है, रेडियस है हाफ, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड, रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। सो ये पूरी साइड है तो रेडियस इसका हाफ है, मतलब साइड का हाफ, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले साइड कहाँ है? हमारे पास साइड ही नहीं है तो रेडियस, सो देखो सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? दिया हुआ है, देखो वैल्यू दी हुई है, मतलब तो रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? 17320.5, ठीक है, 17320.5 इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, ठीक है। सो देयर फोर फोर जाएगा मल्टीप्लाई होने, 17320.5 मल्टीप्लाई फोर डिवाइड रूट थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सो रूट थ्री 17320.5, ठीक है। सो 17320.5 मल्टीप्लाई फोर
रूट थ्री क्या है? 1.73205, 1.73205, ठीक है। अभी ए स्क्वायर को सीधा करके लिखो, 1.73205 × 4, 1.73205, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो देयर फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सो 1.73205 है, 0.5 है, 1.73205, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो upon 10 मल्टीप्लाई 1.7, सो 1.73205, 1.73205, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, सो upon 10, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ देखो 1.73205, 1.73205 बन जाए, ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। सो क्या रहा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सो 1, 2, 3, 4, 4 0 रहे, मल्टीप्लाई 4, सो देयर फोर स्क्वायर है तो सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2, 3, 4, 4 0 हैं, तो 4 0 के स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 0, ओनली 100। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 ऐसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, सो 2 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2, 3, 4 10,000 क्या होगा, 100, ठीक है। सो देयर फोर ए इज इक्वल टू 100 2 जा 200, ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 10th नंबर। अभी हुआ नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ साइड फाइंड की है, हमें अभी क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा साइड मिल गई, ए साइड हमारी 200 आई, तो रेडियस क्या होगा हमारा, सो रेडियस है साइड अपॉन टू, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सो रेडियस इज इक्वल टू साइड अपॉन टू। सो नाउ रेडियस इज इक्वल टू साइड अपॉन टू, साइड है 200 अपॉन 2, ठीक है। सो 2 1 जा 200 जा, सो देयर फोर रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस आया 100 सेंटीमीटर। अब फाइनली हमारा सम करना चालू करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सो ये देखो ये शेडेड रीजन है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्यों लगाया, हमको वैल्यू ही दे दी है ना, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 1.73205, सो 1.73205 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो 3, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
सो पाई क्या है, पाई है 3.14। अच्छा थीटा क्या होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, सो 17320.5 -60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई क्या दिया हुआ है, पाई दिया है 3.14। ठीक है, सो 3.14, आर क्या दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर। ठीक है, सो 100 स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। थीटा 60 क्यों लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 17320.5 -3। अच्छा यहाँ देखो, 61 जा 66 जा, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, 61 जा 66 जा, 3 1 जा 3 2 जा, सो 3.14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर। सो 17320.5 पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद दो नंबर, 314 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, 100 का स्क्वायर 100 100। ठीक है, सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, सो अब कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सो 17320.5 -157 100, सो 157 100 माइनस करते हैं 157 100 को, सो 17320.5 -157 100। सो 0.05 में से 0 गए 5, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गए 1। सो आंसर क्या आया, 1620.5 cm². ठीक है, अब हम क्या करें, तो देखो यहाँ पे फिर से देख लो क्या किया हमने। सबसे पहले हमने, हमको क्या दिया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया है, पाई दिया है, √3 दिया है, और रेडियस साइड अपॉन ये सब दिया है। सो सबसे पहले साइड फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला लगाई, √3/4a², एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू रखी, √3/4a², √3 की भी वैल्यू दी हुई थी, ये रही, सो वो भी डाल दी। सो वो वैल्यू डाल के फिर हमने क्या किया, a² फाइंड किया। ठीक है, सो आपने क्या किया, फिर यहाँ इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाए, एक नंबर के बाद अपॉन 10, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है, सो 5 नंबर लिखे। ठीक है, सो ये क्या किया हमने, जितना कट शॉर्ट होता है किया, सो ये बचा, सो स्क्वायर है तो सामने स्क्वायर रूट लगाया, सो 200, रेडियस साइड अपॉन 2 है, सो 100, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, सो 3 मल्टीप्लाई किया थीटा, थीटा 60 कट शॉर्ट किया हमने। ठीक है, फिर पाई भी 3.14 लेना था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सो इस तरह से हमने फाइनल किया। सो दिस वाज अवर 10th नंबर। बच्चों अभी हम देखते हैं 11th नंबर। 11th नंबर क्या बोल रहा है, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। ठीक है, ये है हमारा 11th नंबर। सो 11th नंबर बोल रहा है कि एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये हैंडकरचीफ है, कौन सी शेप में, स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में एक हैंकी है, उस हैंकी के अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन हैं, ये 1 2 3, ये सारी डिजाइनिंग है। कितना रेडियस है इनका, 7 सेंटीमीटर, मतलब इनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ। सो आपको क्या करना है, मतलब ये जो खाली स्पेस है ना वाइट वाली, इसका एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कैसे सेट करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितनी डिजाइन है, 9, माइनस 9 एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल है ना, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन इसने बोला है कि 9 सर्कुलर डिजाइन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहाँ देखो, ठीक है। सो ये देखो 11th नंबर है, ये सर्कुलर डिजाइन है, ठीक है, ये सबके अंदर डिजाइन है। सो रेडियस 7 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर। सो ये देखो यहाँ रेडियस होगा, सो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देखो ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो देखो यहाँ देखो कितने 7 है, 7 7 7 7 7 7। सो इन सब का प्लस करेंगे, क्योंकि फिर मेरे को ये स्क्वायर की साइड मिल जाएगी ना, इन सब का प्लस करके। कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6। सो 7 कितनी बारी है, 6 बारी। सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, साइड इज इक्वल टू 1 2 7, कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 जा 42। सो 42 सेंटीमीटर। पता लगा साइड ऑफ स्क्वायर कैसे पता लगी, रेडियस दिया हुआ था ना इसीलिए, ठीक है। सो ये सारी डिजाइने हैं, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, ये खाली पोर्शन। सो कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कितने सर्कल्स हैं, 9, ठीक है। एरिया ऑफ कितने सर्कल्स हैं, 9 सर्कल्स हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, ठीक है। सो एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस, या ए स्क्वायर भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स है। सो 9 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो साइड क्या है, साइड हमने अभी अभी 42 फाइंड की, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9, पाई क्या होता है, 22/7, आर क्या दिया हुआ है, 7, 7 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई 22/7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 दो बारी, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। 42 का स्क्वायर, सो 42 को दो बारी करेंगे, 42 42 जा। सो 42 को दो बारी करेंगे, 42 42 जा 1764, माइनस 9 22 9 जा करेंगे, सो 22 9 जा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 19, सो 198 198 7 जा, सो 198 7 जा 7 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 + 5 68, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, सो 1386। सो सिंपली 1764 में से 1386 माइनस करेंगे, ठीक है। सो 1764 माइनस 1386, 14 में से 6 गए 8 5, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 3 गए 3, सो 3 7 8, ठीक है। सो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये क्या हुआ हमारा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम था। सो राइट 10th एंड 11th नंबर इन क्लास वर्क एंड इन होमवर्क ऑल्सो, ठीक है। वन वन टाइम ड्रॉ द फिगर्स ऑल्सो श्योरली, ठीक है। थैंक यू।